हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा रेसिपी है चिकन करी। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए लेंगे चिकन। चिकन मैंने लिया है 1/2 किलो। इसी के साथ मैंने लिया है 2 मीडियम प्याज, 2 मीडियम टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन, सरसों का तेल और धनिया पत्ता। मसाले में मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, हल्दी और नमक। साबुत मसाले में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 चक्रफूल, 1/2 जावित्री, 3 दालचीनी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं। मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है। इसमें मैंने डाला सरसों का तेल, अब साबुत मसाला, उसके बाद प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमारा प्याज फ्राई होके रेडी है। फिर डालेंगे हम चिकन। चिकन को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर इसको हम ढक के रख देंगे करीब 10 मिनट। 10 मिनट पूरा हो चुका है हमारा। अब हम गैस को हाई फ्लेम में रखेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी और ये मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी, नमक, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर, धनिया पत्ता। अब हम गैस को लो फ्लेम में ढक के इसको जब तक ना सूखे तब तक पकाएंगे। अब ये हमारा चिकन सूख के रेडी है। इसको धीमे आंच में ऐसे ही थोड़ा बहुत फ्राई कर लेना है। अब हमारा सब्जी या चिकन बन के रेडी है। तो आज का मेरा ये चिकन करी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।